हरदा भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर खुशी व्यक्त करते हुए हरदा पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा अपने निवास पर क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूर्व विधायक डॉक्टर दोगने द्वारा बताया गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था एवं दिनांक 9/11/1889 को दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस, गोरक्षा पीठ के महंत अवैधनाथ, विश्व हिंदू परिसर के नेता अशोक सिंहल व कामेश्वर चौपाल द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं व मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने से संपूर्ण देश में खुशी की लहर है। डॉक्टर दोगने द्वारा यह भी कहा गया है कि हम मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी के बयान कि भगवान राम सभी के हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं, का भी स्वागत करते हैं एवं सही है कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं। उनके द्वारा सभी प्राणियों का उद्धार किया गया था, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम सबका प्रणाम एवं समस्त देशवासियों को भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर बधाई। जो किया है क्यों किया है? देखिए, हम लोगों में भी खुशी है, कांग्रेस के लोग भी और क्षेत्र की जनता में भी खुशी है, क्योंकि भगवान राम ने सभी प्राणियों का उद्धार किया था। आपने देखा उनकी सेना में भालू भी थे, बंदर भी थे, सभी थे, सबका उद्धार किया, इसलिए सबके राम है। उमा भारती ने भी जो कहा है बिल्कुल सही कहा, भाजपा जबरदस्ती ओढ़ रही है तो ओढ़ना नहीं चाहिए, जबकि राजीव गांधी जी ने ये भूमि पूजन करके शुभारम्भ करवा चुके हैं वो मंदिर का। मंदिर अब बनना शुभारम्भ हो रहा है, भूमि पूजन तो पहले हो चुका है और इसलिए हम सब उसका सपोर्ट करते हैं और सबके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ आज खुशी मना रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। क्योंकि यहाँ हम देखें अगर कि 115 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है तो उनको सबको लेके चल रहे हैं वो, और सबके भगवान हैं।